विश्व के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन गोरखपुर से राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस चलाने का दायरा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में नहीं आता है। राजधानी एक्सप्रेस राजधानी से राजधानी तक ही चलाई जाती है, जैसे लखनऊ से दिल्ली या पटना से लखनऊ या दिल्ली तक इसका संचालन किया जा सकता है, लेकिन अगर पटना से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है तो गोरखपुर में उसका ठहराव संभव हो सकता है, लेकिन अभी कोई भी प्रस्ताव रेलवे के द्वारा नहीं आया है, इसलिए गोरखपुर में राजधानी एक्सप्रेस का संचालन अभी संभव नजर नहीं आ रहा है। सीपीआरओ ने बताया कि इसके अलावा गोरखपुर से कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस की तरह ही सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई थी, जिन्हें धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, देखिए जहाँ तक ट्रेनें चलाने का प्रश्न है तो रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर जरूरत के हिसाब से नई ट्रेनें चला रही है। गत वर्ष भी दो ट्रेनें दिल्ली के लिए चलाई गई, एक मऊ से नई दिल्ली आनंद विहार और एक ट्रेन पूर्णागिरी एक्सप्रेस चलाई गई थी टनकपुर से। इसके साथ ही अभी कोविड के दौरान आपको पता है कि सभी विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, तो जिस हिसाब से पैसेंजर्स की मांग आ रही है जहाँ के लिए वहाँ के लिए ट्रेनें निरंतर हम लोग बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न राजधानी एक्सप्रेस चलाने का है तो राजधानी एक्सप्रेस स्टेट कैपिटल से जो देश की कैपिटल है उसको जोड़ती है, मतलब किसी प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी को जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाती है। तो गोरखपुर जो है हमारी प्रदेश की राजधानी है नहीं, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाया जा पाना इसके परिभाषा के हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्रशासन या कह लीजिए कि पॉलिसी मेकर्स चाहें तो कोई राजधानी एक्सप्रेस जो किसी और स्टेट कैपिटल से आती हो उसको वाया गोरखपुर चलाया जा सकता है, लेकिन जो सुविधाएं राजधानी एक्सप्रेस में दी जाती हैं जैसे उसमें LHB कोचेज लगते थे, तो आज पूर्वोत्तर रेलवे की 34 ट्रेनें ऐसी हैं, 34 जोड़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें LHB के कोचेज लग रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे से देश की पहली हमसफ़र एक्सप्रेस चलाई गई, देश की पहली तेजस एक्सप्रेस भी पूर्वोत्तर रेलवे से चलाई गई। आपको याद होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस भी पूर्वोत्तर रेलवे के खंड से होकर गुजरती है, जो कि बनारस से प्रयागराज रामबाग होकर चलती है। तो पूर्वोत्तर रेलवे यात्री प्रधान रेलवे है, लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ट्रेनों में सभी प्रकार की यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।